कौन मंदिर। और आज फाइनली मैं भी आ ही गई अंदर। देखते हैं कैसा बना है, क्योंकि मेरा भी ये फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा। अब भीड़ देख रहे हैं आप कितनी ज़्यादा है यहाँ। चलिए चलते हैं। कौन मंदिर आ गए हैं, जैसा कि हमने वीडियो में देखा। मुझसे जितना हो सका मैंने रिकॉर्ड किया। बहुत ही ज़्यादा भीड़ है, बहुत ही ज़्यादा। और मैं यहाँ भी चिल्ला के रिकॉर्ड कर रही हूँ। मुझे नहीं समझ आ रहा है कि आप लोगों को सुनाई देगा कि नहीं देगा, बट मैंने बहुत कोशिश की रिकॉर्ड करने की। जितना हो सका मैंने रिकॉर्ड किया। जैसा कि आपने देखा कि अंदर कितनी ज़्यादा भीड़ थी। हम लोग पार्क से निकल चुके थे और हमने सोचा कि भाई टाइम है तो चलो हम लोग मंदिर घूम आते हैं, तो आए मंदिर। लेकिन अभी यहाँ पे प्रॉपर व्यवस्था नहीं है, जैसे कि प्रसाद वगैरह आपको बाहर से खरीद के लाना होगा। सिर्फ यहाँ पे माला भी फूल मिल रहा है चढ़ाने के लिए। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी क्लोज है, अभी ओपन पूरा नहीं हुआ है। फिर भी बहुत सारा लोग, बहुत सारी भीड़, मतलब बहुत गैदरिंग है। क्योंकि नया है, चूँकि बहुत ही बड़ा है, तो वो पूरी मैं कभी शांति से आऊँगी और आपको पूरे मंदिर अच्छे से विजिट कराऊँगी। अभी जितना हो सका मैंने किया। और अभी हम लोग मंदिर में बैठे हुए हैं। आराम। मंदिर ऐसी जगह है जहाँ पे बैठ के बहुत ही सुकून मिलता है। तो मैं और मेरा भाई और मेरा बेटा हम तीनों यहाँ बैठे हैं और मम्मी पापा विजिट करने गए। तो मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। तब तक हम लोग यहाँ पे बैठ के गप्पे मारते हैं और पूरा भगवान की आरती सुनते हैं। हमारा डोसा ये पापा का, और मेरा बेटा मिनी इडली खा रहा है। मम्मी का मन ठीक नहीं लग रहा है तो उसने बोला कि मैं अभी कुछ नहीं खाऊंगी, मुझे खाने का मन करेगा तो मैं कुछ ड्रिंक्स वगैरह ले लूँगी। और ये मेरा भाई अपनी परंपरा निभाते हुए फ़ोटो लेते हुए। मेरा बेटा बोल रहा है मेरा भी बोलो, ले तो रहे हैं, बोलो कैसा लग रहा है। पापा खाते हुए कैसा है पापा। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनाता है। यहाँ लौटा ऐसा डोसा है जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और जब मुझे डोसा खाने का मन करता है मैं यहीं आती हूँ डोसा खाने के लिए। मेरे यहाँ जो भी आता है मैं एक बार ज़रूर यहाँ विजिट कराती हूँ डोसा खाने के लिए। मुझे साउथ इंडियन डिश जो भी पसंद आता है वो एक बार अगर यहाँ का डोसा खा लेना तो उसे प्यार हो जाएगा साउथ इंडियन डिश। कंप्लीट करने के बाद आप लेते बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनाता है यहाँ। अगर आप पटना में आते हो तो मैं रिकमेंड करने को जरूर ट्राई करूँगा। मैं आप लोग इसको जल्द विजिट करने के बाद। गुड मॉर्निंग गाइस। कल मैं एंडिंग नहीं दे पाई थी ब्लॉग का, इसलिए मैंने सोचा कि मैं अभी एंडिंग दे देती हूँ। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ और मैं मिलती हूँ आपसे अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय।